हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन ग्राउंड पर। आज हम एक नए वीडियो के साथ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स कैलकुलस का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, बिना कुछ समय गवाए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस एक्स स्कोर डी एक्स प्लस एक्स स्कोर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, जो भी कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है वो डी वाई अपॉन एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स यानी अवकलनीय फॉर्म में होता है, परंतु ये अवकलनीय रूप में हमें क्वेश्चन नहीं दिया है, इसको हमें अवकलनीय रूप में बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसका समाकलन कर पाएंगे और अंतिम हल प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये समीकरण नंबर हमने क्वेश्चन को ये एक नंबर दे दी। अब इस समीकरण में एक्स स्कोर का भाग देंगे, क्यों देंगे एक्स स्कोर का भाग वो मैं आपको बताता, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी एक्स है यहाँ पर डी वाई, या तो या ऐसे कर सकते हैं कि डी एक्स वाला वाम पक्ष में ले और डी वाई वाला उस पक्ष में ले, फिर इसको हम एक संतुलन बिठा दें, पर ऐसा कर पाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर इसको भाग दे दे डिवाइड कर दे दे तो इस जटिल सवाल को हम सरल सवाल बना सकते हैं। तो इस समीकरण एक में हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। तो देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, प्लस निशान है, और इसमें भी हमने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया। देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर भाग दिया, कंबाइंड एक्स स्क्वायर है, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है। तो देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई, इसके नीचे भी हमने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, जब इसका नीचे एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तब क्या एक हम रूप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, ये वाई डी वाई यदि वाई डी एक्स बाद में ले और एक्स डी वाई पहले ले और नीचे क्या एक्स स्क्वायर, तो वो एक फलन बन जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर हमने ये आगे लिया ये पीछे लिया है, तो सीने बदल गए तो बार में माइनस का निशान लगा दिया, समझ गया। प्लस वन प्लस इसको हमने खुला खुला लिख दिया, नहीं किसका भाग इसमें एक बार जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए। देखो इसका इसमें एक भाग एक बार गया, एक्स स्क्वायर कट गया तब एक लिखा हमने, फिर एक में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बटा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कट गया साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं बीएससी रिलेटेड फिजिक्स और मैथ्स की वीडियोज अपलोड करूंगा तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए माइनस डी, अब ये देखिए ये एक सूत्र होता है आपने ट्वेल्थ इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा, तो देखिए यहाँ पर जो भी है ना एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है कि पहले का अवकलन माइनस दूसरे का अवकलन बट्टा जो भी हर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तभी ये क्या बनता है माइनस डी वाई अपॉन एक्स नहीं होता। देखिए पहले का अवकलन एक्स डी वाई माइनस दूसरे का अवकलन वाई डी एक्स बट्टा नीचे का स्क्वायर, तो ये तो होता है, ये रूप बन गई ना, तो ये हमारे लिए आसान सरल सवाल करना हो जाएगा। प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो देखिए इसका समाकलन कर देंगे y अपॉन x हो जाएगा, माइनस निशान है बार में इसलिए y माइनस, क्योंकि माइनस f y अपॉन x सूत्र के अनुसार यदि कोई भी फलन हो उसके पीछे f, जैसे माइनस f y या f y अपॉन x का क्या होता है y अपॉन x ही होता है, तो इसी तरह इसका माइनस y अपॉन x हो गया। प्लस इसका समाकलन क्या हो गया, एक का क्या हो गया, एक का समाकलन क्या होता है x होता है, एक का समाकलन हो गया x। अब इसका कैसे क्या होगा माइनस वन अपॉन x, कैसे हुआ देखो मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है, एक्स की पावर जब ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, तो एक्स की पावर एक्स टू द पावर माइनस टू हो गया। जब एक्स की पावर माइनस दो है तो अब क्या करते हैं, एक्स टू द पावर जब एन होती है तो उसमें क्या करते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने ऊपर प्लस वन किया और नीचे भी माइनस टू प्लस वन किया, जब ऊपर x माइनस माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगा यानी x टू द पावर माइनस वन आ जाएगा और नीचे भी माइनस वन आ जाएगा, नीचे का माइनस यहाँ सीने लग जाएगा ये, और ये वन अपॉन x हो जाएगा, समझ गए। इसका हमने समाकलन आपको या आसानी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पास में लिखा है, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये तो रब मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि ये ऐसे हुआ, इसका उत्तर ऐसे आया,
क्योंकि बीएससी में कोई तो 12th में 95% 90% वाले बच्चे होंगे, तो उनको तो पता है कि अब ऐसे भी बीएससी 10th के बाद साइंस ले लेते हैं जिनके बच्चे के परसेंटेज 50 से 60 बनते हैं, फिर वो बीएससी करते हैं, उनको भी समझ में आया। कोई ऐसे बच्चे होते हैं अधिकतर। जब मैं 2017 में 12वीं क्लास में पढ़ता था तब 12th क्लास में ऐसे बच्चे थे जिन जिनकी 10वीं में फेल हुए थे, तो होते हैं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए साई साइन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई, समाकलन इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस वाई, और इसका नियतांक यानी 0 सी हो गया, नियतांक ले लिया हमने। अब देखिए माइनस वाई अपॉन एक्स, इसका गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे एक्स माइनस कॉस वाई इजिकल टू सी। अब देखिए माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका लसअप एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से लसअप यानी एलसीएम एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स का गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स हो गया तो ऊपर तो माइनस वाई ही रहेगा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस वाई, और जब ये एक्स उस पक्ष दक्षिण पक्ष में गुणा हो जाएगा नीचे वाला, तो उधर क्या हो जाएगा सी एक्स। तो ये मैंने रेड लाइन में कोष्टक बना दिया, और ये अंतिम हल है, यही अभीष्ट हल है। ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूंगा बीएससी रिलेटेड फिजिक्स और मैथ्स के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, और एक नीचे से कमेंट कर दीजिए ऐसे ही मैं कि आपको समझ में कैसा आया। अब देखिए मैं भारत, आज भारत की हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंडियन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पौराणिक भारत का इतिहास है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम चूने की चिकित्सालय किसने चलाए थे, उसका आपको आंसर देना है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, नेट है, सेट है, जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, बीपीएससी एमपीपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम चूने की चिकित्सा किसने चलाए, वो आपको इस वीडियो के कमेंट में देने हैं। और मैं एक अगले वीडियो में एक सवाल लेके आया था कि वो सवाल था, मैं वापस भूल गया क्या था सवाल, कि भारत का वो कौन सा शहर कहते हैं उसको, भारत का कानपुर शहर कहते हैं वो मैं, चानोदिया खान कहाँ है, चानोदिया खान पाली में, वो फेलस पार्क खनिज की खान है, ये भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया था, उसका भी मैं उत्तर अब कह रहा हूँ आपको। और एक क्वेश्चन था कि देवगढ़ चित्रकला शैली का एक चित्रकार था, उसका मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वेजनाथ, तो वेजनाथ किस चित्रकला शैली का चित्रकार था, तो वो देवगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार था। तो ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, तो इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में देना है, इस वीडियो में देना है, मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर मैं खुद दूंगा कि भारत में सर्वप्रथम चूने की चिक्की किसने चलाई और किस वंश का वो शासक था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।